सबसे बड़ी टेस्टमनी से शुरुआत करूंगी मैं। गुड। मैं जिस टाइम पैदा हुई थी, पुराने जो लोग थे वो जबान के बड़े पक्के होते थे, होते आज भी हैं, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। तो मेरे जो भाई बहन पहले हुए तीन चार, वो इंतकाल फरमा गए। तो हम जिनको, जो मेरे वालिद साहब जिनको दिया, वो मस्जिद के इमाम थे, उन्होंने मेरे वालिद साहब से कहा कि भाई अब जो बेटा होगा बेटी होगी वो मेरी, चाहे जिंदा हो चाहे मरी। अब मैं हूँ, मेरे वालिद साहब ने मुझे उन्हें दे दिया बोल। मैं सगे माँ बाप से हट गई, उनके पास चली गई, उन्हीं के पास रही, पली बड़ी। 10 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मेरे रियल फादर मदर जो थे कभी मुझसे नहीं मिले। सामने से भी जाते थे तो वो मुझसे मुंह फेर लेते थे, अल्लाह बेहतर जाने क्या बात थी। लेकिन जिस दिन से मैंने ये बिस्मिल्लाह का शुरू किया, मैंने अपनी वालदा के पैर तक पकड़े के मेरे पास चलो, मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें किसी भी भाई बहन का सुख नहीं मिला अभी तक। मैंने कहा मैं करूंगी, मैं जिस हाल में भी हूँ आपको परेशान नहीं होने। लेकिन वो बिल्कुल राजी ही नहीं होती थी मेरे पास आने के लिए। और जैसे ही मैंने बिस्मिल्लाह का शुरू करा, 37 साल बाद मैं रास्ते में गाड़ी चला रही थी स्कूटी, तो उनका फोन आया, समरीन मुझे ले जा। बस मैंने सारे काम छोड़े, रास्ते में जो काम था वो भी छोड़ा, सीधी मैंने स्कूटी उनके पास ले जाके रोकी। मैंने कहा चलो। तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्ट मनी कि मुझे अपनी वालदा की खिदमत करने का मौका मिला 37 साल बाद। सही बात है। और वो मैं बता दूं क्यों नहीं मिलते थे, क्योंकि उन्होंने जो है बच्चा होने से पहले मांग लिया था एक तो, और दूसरी चीज ये कि जबान ले ली थी जी। कि आप इसको बेटी नहीं बोलोगे जी, जबान ले लेते हैं।